संभल के जाफरपुर गांव में दो पक्षों में हुई फायरिंग में गोली लगने से एक युवक की मौत हो गई, जिसका पुलिस ने खुलासा करते हुए एक युवक को गिरफ्तार किया है। संभल के कोतवाली गुन्नौर क्षेत्र गांव जाफरपुर में कुछ दिन पहले हुई फायरिंग में संजू पुत्र विजेंद्र के पेट में गोली लगने से इलाज के दौरान अलीगढ़ अस्पताल में मौत हो गई। आपको बता दें कि पकड़ा गया अपराधी थाना गुन्नौर में एक अपराधी किस्म का व्यक्ति था। संजू ने किसी पड़ोसी की जमीन जोत दी थी। उस व्यक्ति ने हमसे शिकायत की, हमने संजू से इसी बात को लेकर शिकायत की थी। संजू एक अपराधी किस्म का व्यक्ति था। संजू ने बहुत संपत्ति जब्त कर रखी थी, इसी संपत्ति से एक विशाल मकान बनवा रहा था। उसके चाल चलन को देखकर कोई भी गांव में उसके यहाँ मजदूरी करने को तैयार नहीं था। पड़ोसी गांव पुटरी के मजदूर उसके विशाल कायम मकान को बनवा रहे थे। पकड़े गए महिपाल पुत्र सुदान ने बताया कि मेरे पक्ष द्वारा उन मजदूरों को कहा गया कि तुम ऐसे व्यक्ति का मकान बना रहे हो जो कि जगह जगह जमीन पर कब्जा करता है। इसी बात को लेकर उन मजदूरों ने संजू से कह दिया, जिस पर संजू हमें मारने पीटने लगा। झगड़ा इतना बढ़ गया कि उसने अपने तमंचे से फायर कर दिया, जिससे गोली संजू को जा लगी और उसके इलाज के दौरान अलीगढ़ में मौत हो गई। पुलिस ने जगन्नाथ मंदिर से अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के कब्जे से एक तमंचा और कारतूस बरामद हुए हैं। पकड़े गए आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है और आरोपी को जेल भेजा जा रहा है। बाकी अपराधी जल्द ही पकड़कर सलाखों के पीछे भेज दिए जाएंगे। है एक मारपीट में एक व्यक्ति की हत्या हो गई थी, गोली मार करके संजू की हत्या हो गई थी। उसी वांछित चला था, उस समय मुकदमा पर संख्या 575 बटे 20 दर्ज हुआ था। तत्काल में दो मुलजिम पकड़े गए, उनको जेल भेजा गया था। ये चंद्रकेश पुत्र शिवदान सिंह उसी वांछित चला था, उसे गिरफ्तार किया गया। उसकी निशानदेही पर और जो प्रयुक्त कट्टा और कारतूस उन बरामद किया गया, आज उसे भी जेल भेजा जा रहा है। कितने आरोपियों को अब तक जेल भेजा चुका है? अभी तक 3 आरोपियों को जेल भेजा चुका है और भी वांछित चल रहे हैं। उनकी गिरफ्तारी के लिए टीम बनाई गई है और दबिश टीमें लगातार चल रही हैं। जैसे ही और गिरफ्तारी होती है उनको भी जेल भेजा जाएगा।